हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड टुडे आई स्टार्ट आवर मेंटल अरिथमेटिक क्लास। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी वांट टू स्टार्ट द एक्सरसाइज 66। देखो, अच्छा आज हम एक्सरसाइज 66 करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन 81। क्या होगा इसका? देखो यहाँ पे डिविशन करना होगा। 81 डिवाइड विथ 3 इज इक्वल टू 27। ओके, अच्छा पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में समझाती हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में समझाऊंगी। आई होप यू ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो अच्छा, फर्स्ट वन इज 81 डिवाइड 3 एंड 27। नेक्स्ट इज नंबर बी 1/5 ऑफ 140। क्या होगा उसका मल्टीप्लिकेशन? सो 5 के साथ 1/5 के साथ 140 मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होता है? 28। नेक्स्ट इज 3 dozen। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 25 टू मेक इट 3 dozen? सो 3 dozen इज 36। 36 के साथ अगर हम 25 माइनस कर दें तो क्या होता है? 11। सो 25 के साथ अगर हम 11 ऐड करते हैं तो 36 और मतलब 3 dozen आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इज अच्छा 92 माइनस 3 tens एंड 2 ones 60 होता है। देखो 92 माइनस 32 इज इक्वल टू 60। ओके, डबल ऑफ 48 प्लस क्या होता है उसके साथ? अगर हम कौन सा डिजिट उसके साथ प्लस करें तो 100 आता है। सो डबल ऑफ 48 इज 96। सो 96 के साथ अगर हम 100 माइनस कर दें तो क्या आता है? 4 आता है। ओके, नेक्स्ट एफ नंबर आपको होमवर्क में करना है। अच्छा नंबर जी इज 20 सेंटीमीटर इंटू 100 इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? ओ 20 मीटर ही होता है। उसके बाद है 3.5 kg एंड प्लस 2.5 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम। तो यहाँ पे देखो पूरा कैलकुलेशन किया हुआ है। 3.5 kg इज इक्वल टू 7/2 kg एंड 2.5 kg इज इक्वल टू 5/2 kg। सो दोनों को प्लस करते तो क्या आता है? 6 kg। 6 kg इज इक्वल टू 6000 ग्राम। ओके अच्छा, नेक्स्ट इज हाउ मेनी सेट्स ऑफ 6 आर देयर इन 144। 6 के साथ 144 के साथ 6 अगर हम डिवाइड कर देते तो 24 आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट इज माइनस तो आप लोग कर सकते हो। ओके अच्छा यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 67 इज योर होमवर्क। ओके, एक्सरसाइज 67 इज योर होमवर्क। नेक्स्ट अच्छा नेक्स्ट 68 का देखो, फर्स्ट ए नंबर ए तो आपको होमवर्क करने के लिए बोला गया है। नेक्स्ट इज सब्सट्रैक्ट 100 फ्रॉम 25 tens। सो 25 tens मीन्स 250। सो 250 माइनस 100 इज इक्वल टू 150। नेक्स्ट इज 700 प्लस 80 प्लस 9 तो क्या होगा? पुट ग्रेटर देन और लेस देन। तो यहाँ पे 790, सो 790 789 से ज़्यादा है, सो यहाँ पे लेस देन होगा। नेक्स्ट इज अच्छा यहाँ पे तो एक सिंप्लीफाई दिया गया है, डिवाइड करना है माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे भी उसका प्रोसेस किया हुआ है। डिवाइड करने से 29 होता है, 29 माइनस 2 12 इजिकल टू 17। अच्छा एफ का मैं पहले कर चुकी हूँ। नंबर ई का देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 1000 मीटर माइनस 68 मीटर इज इक्वल टू 932 मीटर। नेक्स्ट एफ का क्या है? 2 मीटर
प्लस 35 सेंटीमीटर प्लस 94 सेंटीमीटर, सो 2 मीटर 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 235 सेंटीमीटर। उसके साथ अगर हम 94 सेंटीमीटर प्लस कर दे तो 329 सेंटीमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट नंबर जी का देखो, कॉस्ट ऑफ 3.5 मीटर्स ऑफ क्लोथ एट ₹80 पर मीटर। अगर किसी क्लोथ का मीटर पर मीटर का दाम ₹80 होता है तो 3.5 मीटर का दाम क्या होगा? सो सिंपल है, 80 के साथ 3.5 मीटर आप लोग मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है ₹280। अच्छा, नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई 11 बाय इटसेल्फ एंड ऐड 45, मतलब 11 के साथ 11 मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ 45 प्लस कर दो। अच्छा, नेक्स्ट देखो, आई का 27 kg 64 ग्राम मल्टीप्लाई विद 7, यहाँ पे देखो 189448 ग्राम है। ओके, 189448 ग्राम है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बड़ा हो चुका है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने कैसे किया है, उसको ग्राम में ले जाके उसके साथ 7 से मल्टीप्लाई किया है तो आता है 189448। लास्ट जो है उसके 9 के साथ ₹60 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ₹5140 आता है, 5140 आता है। कॉस्ट ऑफ 9 डाइज एट ₹60 ईच तो ₹5540 आ जाता है। ओके, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा, एक्सरसाइज 69 इज योर होमवर्क। ओके, एक्सरसाइज 69 इज योर होमवर्क, 69 आपका होमवर्क में रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही, सो टेक केयर एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।